तो यार बहुत बोल के तुम्हारा मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड है भाई, तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे मिसेज रियाना रिहाना, मिसेज नहीं बोल सकते कैसे यार, मैंने इंग्लिश स्टार्टिंग से बड़ी कमजोर रही है, मुझे पता नहीं मिस, अच्छा मिस, क्योंकि मुझे अपने से मतलब था कि हाँ मिस्टर हमने पढ़ लिया कि हाँ मेरे के लिए मिस्टर, ओके मिस रिहाना किफायत, जो एकदम किफायती चीज़ों में विश्वास नहीं करती हैं, है ना, महंगी शौक अपना बहुत अलग है, यहाँ पूरा अपना स्कॉट से लेकर पायलट पूरा क्रू खड़ा हुआ है, सबको हम बोलेंगे बहुत थैंक यू इस फ्रेम में आने के लिए, आप लोग थोड़ा पीछे जा सकते हैं, हम थोड़ा गाड़ी दिखाते हैं, ठीक है, पीछे पीछे एकदम लास्ट में चले आए आप एकदम लास्ट, ठीक है। तो रियाना सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखता रहता हूँ, मैंने आपको फॉलो भी कर रखा है, आप काफ़ी रील्स वगैरह में एक्टिव रहते हो, एंड फर्स्ट थिंग जो नहीं जानते, हु इज रिहाना किफायत? रिहाना किफायत है दिलवालों की दिल्ली से, एंड आई एम अ 20 ईयर ओल्ड गर्ल स्टडीइंग इन फिलोसफी मेजर फ्रॉम हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड मुझे गाड़ियों का शौक है, एज यू कैन सी आप मेरी रील्स में भी देख चुके हैं, बिल्कुल। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, रिहाना जैसे ठीक है गाड़ियों का शौक है, तो ये गाड़ियों का शौक जो है ये स्टार्टिंग स्पोर्ट्स कार से ही हुई है या फिर एक सबकी शुरुआत होती है सेंट्रो स्टीम ऐसे, मतलब अब मुझे पता नहीं आपके इधर हुई है कि नहीं, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई, चलो पहली गाड़ी कौन सी आपको आपने देखी और कौन सी पसंद आई, इससे शुरुआत करते हैं। मुझे एक्चुअली सेडान ही चाहिए थी स्टार्टिंग में, अच्छा आई एम 20 तो लास्ट ईयर मैंने गाड़ी चलानी सीखी, ओके मैं 18 हुई, देन उसके बाद पापा, मतलब मैं एक छोटा सा किस्सा है मैं वही बताऊंगी आपको, तो आई वॉज गोइंग टू डिफेंस कॉलोनी फॉर सम वर्क एंड आई सॉ पर्पल सेडान ओवर देयर, ओके सो आई गॉट लाइक रियली इम्प्रेस्ड आफ्टर सीइंग दैट। कौन सी गाड़ी? आई गेस इट वॉज ऑडी और बीएम ही थी, सेडान थी ऑडी, में कोई इतना दुल्ला दुल्ला याद है, तो मैं कलर देख के बड़ा इम्प्रेस हो गई, आई वॉज लाइक यार ये कलर, इस कलर की भी गाड़ियाँ आती हैं, ओके देन मैंने पूरा ऐसे रिसर्च करा कि अच्छा रैप होता है ये, एंड देन जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो मेरा सबसे पहले ये था कि पापा मुझे जो भी कार चाहिए सेडान चाहिए और पर्पल चाहिए एंड इट शुड बी अ लग्जरी कार, तो सीखी मैंने जो ड्राइविंग स्कूल से था, सेंट्रो पे सीखी थी, सेंट्रो पे सीखी थी मैनुअल एंड CNG, तो सीखी उस पर थी, एक हफ्ता सीखने के बाद फिर बहुत सर्च करा, देन पापा ने मुझे फिर 320 आए गिफ्ट कर दिया एंड उसमें पर्पल रैप करा के, और मैं Z4 में भी देख रहा हूँ जस्ट लाइक कमेलियन शेड में ही रैप है उस पे, दैट इज रोरिंग थंडर उसका रैप का नाम है जो मेरे पर्पल मतलब BMW 3 सीरीज पे, ओके कमेलियन रैप, मैंने जब मेरी उस पे भी वीडियोस वायरल हुई एंड देखा कि अच्छा ठीक है पीपल आर लाइकिंग दिस थिंग, अच्छा यार मेरे को पता नहीं क्यों रिहाना ऐसे लगता है कि ना ये एक ना जर्नी होती है, ठीक है आप मतलब ये आप बताना कैसा है कि लोग स्टार्टिंग मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है रिहाना, लोग स्टार्टिंग हैचबैक से करते हैं, मन हुआ तो स्टार्टिंग सेडान से भी करते हैं, ऑफकोर्स हैचबैक सेडान देन SUV इज द लास्ट कि हाँ कम्फर्ट वो सब फिर SUV मिलता है, तो वैसे ही मैं जरा टीजर दे देता हूँ, इन्होंने अभी Maybach भी परचेज करी है, ठीक है जो कि सुपर लग्जरियस SUV हम बोल सकते हैं, तो वो पापा की हो गई, हाँ जी वो पापा है ना, अभी मतलब अपनी जो एक कहानी है वो सेडान्स की तरफ थोड़ा ज्यादा एक मुंह बोल सकते हैं हम, लाइक फर्स्ट कार 3 सीरीज थी तो मेरा हाथ भी उस पे मेरा जजमेंट भी बहुत ज्यादा सेट है, अच्छा लाइक मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेडान, आई एम प्लानिंग टू सेल दैट कार, बट ऐसे वही को कहते हैं कि फर्स्ट कार इतना ज्यादा मन नहीं है, हां तो अब देखते हैं। यार देखो मैंने ना पहली जो वीडियो बनाई थी कार गर्ल के साथ, ठीक है वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई, आप लोगों को है ना इज्जत से बात कर रहे हैं हम, ठीक है थैंक यू, सेकंड वीडियो मैं रिहाना के साथ बना रहा हूँ, एंड रिहाना मेरी ऑडियंस के लिए बहुत नया है कि कोई लड़की अपने चैनल पे हमारे चैनल पे आके अगर गाड़ियों के प्रति एक इन्फॉर्मेशन वाली बात कर रही है, तो ये बहुत जागरूकता भी एक तरीके से, ठीक है पहले तो मुझे बताओ गाड़ी ठुकी तो नहीं आज तक, मतलब जैसा लोगों ने वो बना रखा है कि यार गर्ल्स को चलाना नहीं आता क्या, वो जरा एक बार ओपिनियन हो जाए, छोड़ आज तक नहीं ठुकी, बस थोड़ा सा अभी ड्यू के इलेक्शंस के टाइम पे, हाँ हाँ मेरी गाड़ी यहाँ से थोड़ा सा लग गई थी, यू नो रैलीज वगैरह में थे हम, तो ड्यू के इलेक्शंस एज यू ऑल नो थोड़ा हफड़ दफड़ है वो, तो उस वजह से बस कट करते में थोड़ा लग गई, वो तो चलो इलेक्शंस आज तक टचवुड कभी, इवन जितने लोग मुझसे आज तक मिले, इवन माय फादर एज अ, सबसे बड़ी बात माय फादर एज अप्रूव मी इन माय ड्राइविंग, सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, अच्छा 320 आए, 320 आए के बाद Z4 का कैसे हुआ फिर, ये जरा स्टोरी हो जाए। Z4 यार एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट भी जो कार्स का है ना वो मेरे पापा भाई से ही आया, अच्छा बचपन से ही सारी कार्स देखते आए हैं एंड मतलब हर ब्रांड देखा है, ओके फिएट मर्सिडीज ऑडी BMW मतलब कुछ भी सारे ब्रांड्स देखे हैं हमने, ओके मेरा ये सीन था कि एक्चुअली भाई का बहुत ज्यादा मन था स्पोर्ट्स कार का, अच्छा तो बट पापा नेवर अलाउड हिम,
कि यार स्पोर्ट्स कार नहीं तो कोई और से ले ले। हाँ। तो उनके पास एमएल भी थी, लैंड क्रूजर भी थी, स्पोर्ट्स अच्छा। कार उन्होंने मतलब नहीं, पापा ने अलाउ नहीं करा। बट देन मेरी जब देखा उन्होंने मेरा कार्स का इंटरेस्ट भी है एंड मेरी वीडियो भी वायरल जो हुई थी वो स्पोर्ट्स कार पे ही हुई थी, तो मतलब भाई ने बोला कि चल मैंने शौक नहीं पूरा करा, मेरी बहन को करने दो। अरे तो वो वैसा वाला सीन था। तो फिर तो सबसे पहले मतलब ये जर्नी मुझे जाननी है, आप सीधा बीएम के शोरूम में गए या मर्सिडीज भी गई? लोगों की सबसे पहले दो सोच होती है। हाँ जी। तो कैसे बाकी गाड़ियां भी देखी, जैसे कौन कौन सी? जैसे एसएलके ले लो आप। ओए होए होए। तो बहुत प्यारी गाड़ी है वो भी, बट एक्चुअली उसमें सीन ये था कि ये Z4 के सिर्फ दो ही जनरेशन बेसिकली, एक ये जो हमारा शेप है और इसके बाद जो 2016 के बाद जो डिसकंटिन्यू होने के बाद अब जो नई वाली Z4 आई है, ओके, ग्रिल चेंज है बेसिकली वो सब है, तो वो यही दो शेप है। तो उस पर भी मन था काफ़ी ज़्यादा लेने का, बट क्योंकि उसके इतने ज़्यादा शेप्स मॉडल वगैरह अलग अलग एंड काफ़ी लोग वही ले रहे थे, Z4 लाइक बहुत कम लोगों के पास है ये पुरानी वाली। अच्छा। तो लगा कि हाँ ठीक है। हाँ। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं आपको अच्छा एंड प्लस आगे बताएं आप। मतलब वर्थ द मनी आई वुड से, वर्थ द मनी। एक कन्वर्टेबल मिल रही है तो आई गेस। कितने की पड़ी? इट वाज समवेयर मतलब बिटवीन अंडर 30 आई वुड से। अब हमने सेकंड हैंड परचेज करी एंड न्यू हैंड अगर हम जाए तो 70-75 के आसपास पड़ जाती है। मैं आपको आता हूँ रिहाना, मेरी ड्रीम कार एक तरीके से है बचपन से, तो नहीं यार मैं बचपन से उतना मेरा गाड़ी के प्रति था नहीं, मैं टार्जन द वंडर कार वाला कार गए हूँ, मैं फास्ट एंड फ्यूरियस हूँ, मैं बहुत जल्दी सीरीज देखने वाला हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस, वो बात अलग है। पर Z4 मेरे को स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। इसकी पावर मैंने बस वीडियोज़ में देखी, आज मैं एक्सपीरियंस भी करूँगा एंड उसके साथ साथ इसका जो लुक, जो कन्वर्टेबल टू सीटर है ये अपने आप में ही काफ़ी एक ना अट्रैक्शन है इसमें। ऊपर से इस रैप के बाद तो काफी सही हो गया इसमें। अलॉयज भी चेंज करा। अच्छा चेंज कराया, मैं भी पूछने वाला था, स्टॉक नहीं है इसमें मतलब? अलॉयज चेंज करा रखे हैं। सेम 20 इंचेस? 18 आएगा। अच्छा 18 इंचेस हैं, ओके 18 इंचेस अलॉय चेंज कराए गए। कौन सी कंपनी के अलॉय, कुछ आइडिया आपने को? हम सीधी गाड़ी दे देते हैं, हो क्या जाती है चॉइस बताते हैं वो काम पूरा करा जाता। पैसे से क्या नहीं होता पैसे से सब कुछ नहीं होता। हाँ ये मैं थोड़ी ऐसी बातें कर सकता हूँ गाइस। अच्छा मैं अगर तुम्हें इसका पीछे से लुक दिखाऊँ, ठीक है, तो Z4 डुअल टिप अपनी वही जो कंपनी से आ रही कुछ स्टॉक एग्जॉस्ट है अपना पूरा। अच्छा तो एक बार मैं बोलूंगा आप गाड़ी में बैठे, ठीक है, जरा उसको कन्वर्ट करें और साथ साथ एग्जॉस्ट की साउंड एक बार एक रेव थोड़ा हम फील करना चाहते हैं स्टॉक BMW Z4 का, ठीक है। अच्छा देखने में थोड़ी सी पुराना लुक आ रहा है, नहीं मतलब लाइट्स और वो शेप देख के तो ये अभी गाड़ी कन्वर्ट हो रही है तुम देख लो, ओके एंड अच्छा अब ये वाला पार्ट यूज आएगा। अरे वाह बहुत सही, ठीक है यार। डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, तब ये इतना काला धुआं। इसमें पॉप्स एंड बैंग्स हमें उतना ही फील हो रहा है स्टॉक में भी, मतलब एक वैसा साउंड है इसमें, क्रैकल्स बोल सकते हैं, पॉप्स एंड बैंग भी नहीं। तो ये कंपनी के थ्रू ही आ रखा है पूरा सिस्टम। इंस्टॉल्ड इसमें मैंने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं कराई है, इंटीरियर वगैरह सब एज इट इज है। तो एक शॉर्ट स्पिन में चलते हैं फिर, ठीक है रिहाना, अपनी ड्राइविंग स्किल्स से आपको निराश नहीं करना है अपनी जनता को भी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब मैं ऑडियंस की जुबान बोल रहा हूँ, अपना एकदम स्किल्स दिखा दो आप, है ना, कैसे कैसे क्या है। फर्स्ट एक पिकअप पूरा दिखा दे। ओ मुझे लगता है पीछे स्कॉट वाले तो पागल हो रहे होंगे, कहाँ लेके चला गया मेरी मैडम को आ रहे देखो ये भी भगा के आ रहे बहुत सही। तुम देखो थोड़ा ये कॉलोनी वाले, तो इसे कैसे रातों में लेके निकलने का ज्यादा प्रेफर रहता है फिर? कभी भी मतलब प्राइमरी कार्स की तरह यूज कर सकते हो आप इसे भी, है ना। थोड़ा दिल्ली के ट्रैफिक में दिक्कत होती है, यहाँ पे हम शीशे ऊपर कर लेंगे। हाँ एंड तुम तो जानते हो इतना कि फ्रेमलेस डोर्स के साथ है ये, ठीक है, एंड फ्रेमलेस
हम बोल सकते हैं पिलर्स भी नहीं है इसके ना, तो फेमलेस थोड़ा वैसा वाला मैटर है, पर थोड़ी सी ना रिहाना ओल्ड वाइट देती है कार, क्योंकि पुरानी हो गई है ना शेप की वजह से, आई वुड से देती है बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंटीरियर से अगर हम बात करें तो नहीं देती है, शेप की वजह से बहुत ज्यादा देती है। अच्छा, और कुछ इसके अगर फीचर्स की बात करें, क्या क्या इसमें फीचर ऐसे मिल रहे हैं अपने को? पैडल शिफ्टर्स हैं, ओके, एंड एसी कंट्रोल्स यहां मिल जाएंगे, स्क्रीन जो है ऑन करने के बाद खुलती है बंद होती है वैसे, ओके, स्पोर्ट्स मोड है इसमें, हां जी बहुत सही, यहां पे ये सारे ऑप्शन मेन्यू हुए वो सब कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक मॉडल है ये, बहुत सही। अच्छा, एंड ये यहाँ पे ये अच्छा ठीक है ये अच्छा इधर, अच्छा ओके, अच्छा कन्वर्टेबल यहाँ से है, ठीक है। एंड अभी हम दिल्ली की सड़कों में आ गए हैं Z4 लेके यार। अच्छा Z4 कैसा, जब आप लेके निकलते हो गाड़ी तो Z4 मिलती है आपको ऐसे भाई बहन अपनी गाड़ी के रेयर एकदम? और मुझे लगता है इस एरिया में तो और रेयर होगा, गुड़गांव साइड तो फिर भी आपको बहुत दिखती है। हाँ, बॉक्सर वगैरह, बिल्कुल बॉक्सर तो मुझे लगता है साक्षात एल्विश भाई ने ही, अपने सिस्टम भाई ने ही फेमस कर दिया बॉक्सर को, ठीक है। लिटरली नहीं, बॉक्सर उससे पहले फेमस थी, नहीं, नहीं, पर जब से ली गई है ना एल्विश के बाद से, मतलब इफ अ फेमस पर्सन डज समथिंग तो वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स कार में वो काफी रीजनेबल, अगर देखा जाए प्राइस उसमें कितने की आती है, वो एक एक डेढ़ के आसपास ही आती है वो भी, सेकंड हैंड तो और भी, मतलब 80 to 85 का, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा अगर तुम उस हिसाब से रखते हो अपना, ज्यादा सस्ते में मिल जाएगी आपको अगर आपको कन्वर्टेबल। पर मैं एक चीज बोलूंगा, भागने के हिसाब मतलब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जाना पोर्शे का जो इटालियन उसका जो सिस्टम है वो बहुत सही है, ठीक है, इसीलिए। अच्छा वैसे हम BM की जनरली बात करते हैं, फिर हम नेगेटिव पॉइंट में आएंगे। BM का हम सुनते हैं कि यार जर्मन इंजन है, ठीक है, अगर देसी भाषा में बोलते तो रमा इंजन एकदम, ड्राइव ऐसा लगता है कि हाँ ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी आपको नहीं चला रही, मतलब जस्ट लाइक वैसे बोलते हो। वही है ना, एक बात आ जाती है कि 100 तक आप चलाते हो गाड़ी, 100 के बाद गाड़ी आपको चलाती है, अरे वैसी वाली सीन, वैसा सीन है इसमें। कैसा एक्सपीरियंस है मुझे जरा वो बता दो, लास्ट में कैसा लगता है Z4 लेके दिल्ली जैसे शहर में, और लड़की, और मैंने देखा है आपकी स्टोरीज में कि आप अकेले ही निकलते हो जब भी निकलते हो, अकेले नहीं मतलब एस्कॉर्ट मतलब होता है आगे पीछे, वो स्टोरी में नहीं दिखता होगा, लेकिन सीट में मतलब गाड़ी के अंदर साथ में कोई नहीं उठता, मैं अकेले ही मोस्टली जहां जाती हूं। तो दोस्तों की कमी है अपने पास या कैसे? अगर हम वो आजकल Gen Z बहुत खुश हो जाते थे, कोई किसी का सुनते ना कि अच्छा इसकी फ्रेंड्स की कमी है, इसको भी हमको ही फ्रेंड्स, मतलब डिप्रेस्ड है सारे। मुझे मैं Gen Z जनरेशन से बहुत अलग हूं, मैं ओल्ड स्कूल हूं, Gen Z बुरा मान रहा है, मैं मजे ले रहा था बस, ठीक है ओके। तो इन जनरल आप गाड़ी लेके निकलते हो कैसा एक दिल्ली में, कैसा रिएक्शन आप देखोगे लोगों के अभी तो आपको पता चलेगा, काफी ज्यादा लोग थोड़ा एक मैं कैसे बताऊं आपको, इफ अ गर्ल ड्राइव्स अ कार और राइड अ बाइक तो एक जो वैसा रिएक्शन होता है, ऊपर से आप सुपर स्पोर्ट स्पोर्ट्स कार लेके, सो या तो अच्छा रिएक्शन मिलता है, गर्ल्स काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, बॉयज भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, बट वही ना दिन वो काफी ज्यादा हल्के में भी लेते हैं, स्पोर्ट्स कार चला लिए उसको तो ठोकने में टाइम नहीं लगेगा उस टाइम, तो वैसा है। बाकी तो हम रेस किसी के साथ करते नहीं है, वी आर अगेंस्ट रेसिंग। एंड काफी बार ऐसा भी होता होगा कि कोई आपकी वीडियो बनाना चाह रहा हो, बिल्कुल बहुत बार होता है, ऐसे एक बार हुआ था, आई वाज कमिंग फ्रॉम नेहरू प्लेस, तो ये अपना जो लाजपत नगर वाला फ्लाईओवर है, तो इधर किसी ने बस ऐसे वेव करा, मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं था कि वो मेरा फैन है, व्यूअर है, मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया था, तो उसने वेव करा एंड पीछे अपनी एस्कॉर्ट थी, मुझे याद है वो रील मैंने देखी है, उसमें गार्ड ने फिर उसको समझाया कि ऐसे मत करा करो, अच्छी बात नहीं है ये, तो फिर मेरे को बुरा भी लगा, तो मैंने उसके लिए स्टोरी भी डाली कि आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऊपर से जितना मैं वसीम भाई को पहली मीट में जान पाया हूँ वो तो अच्छा है, वसीम भाई ने बस बात करी, वरना मुझे लगता है वसीम भाई काफी आगे तक जा सकते थे थोड़ा मुझे देख के लग रहा है वसीम भाई का जो सिस्टम बोल सकते हैं ना, एकदम वो ट्रेंड है, हाँ वो प्रोफेशनल एकदम, जा भी सकते हैं आगे, नहीं इसमें प्रोफेशनल, इसमें क्या बोलते हैं, एक मिनट थोड़ा तोड़ के बोलूंगा, प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है इसमें कि वो काफी प्रोफेशनल है, अगर हम साथ में चल रहे हैं तो पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी, तो वो वाली बात है। बाकी रिहाना वीडियो में बहुत एकदम लास्ट वाले एकदम पार्ट में आप कुछ नेगेटिव बता दो गाड़ी के, कुछ नेगेटिव होंगे? नेगेटिव हाँ थोड़ा बहुत है, मे बी शायद ये आई वुड से 2016 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसका मेन रीजन आई वुड से ये होगा, जब इसका ये आपका कन्वर्टेबल है तो जब रूफ खुलता है तो बीच में कभी कभी इसके वायर में प्रॉब्लम हो जाती है, अटक जाता है, वो वायर टूटा हुआ है, अच्छा तो उस वजह से मे बी शायद या वो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है,
और इसके अलावा आई वुड से थोड़ा बहुत यार गाड़ी सर्विसिंग तो मांगती है, तो इंजन फॉल्ट वगैरह वो सब आपका स्कैन हाँ वो तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे। और बाकी ब्रेकिंग से लेकर सब कुछ? ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग सब सही है। एंड सर्विस कितने कितने टाइम में मांगती है गाड़ी? 6-6 महीने में तो करवानी चाहिए। अरे 6-6 महीने में करवानी ही चाहिए गाड़ी, अगर आपको अपनी टेंस रखनी है तो क्यों नहीं करवानी चाहिए। एंड गाड़ी यार देखो ना आई वुड से सर्विस तब डिपेंड करती है जब आप गाड़ी को रगेड़ रहे हो, तो गाड़ी चलाने में भी बात आती है। अगर आप गाड़ी को अच्छे से चला रहे हो तो मुझे लगता है 6 महीने में भी कराओ तो चलता है, चलता है। एंड अच्छे से ही चलानी चाहिए, आपको क्यों किसी को दिखाना है। बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ नेगेटिव नहीं है ऐसा ना? नहीं ऐसा नो नेगेटिव, गाड़ी बहुत प्यारी है, वर्थ द मनी, आपको कन्वर्टेबल मिल रही है इतने अच्छे प्राइस। एट लास्ट कुछ मैसेज देना है अपनी ऑडियंस के लिए, कुछ ऐसा मैसेज रिहाना की तरफ से? मैसेज तो यही है कि आप लोग, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे नहीं देखा है तो प्लीज देखो, ये मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी टैग कर दी है, लगा दूंगा मैं। एंड ऐसे ही प्यार देते रहो, एंड लड़कियों को प्लीज थोड़ा अंडर एस्टिमेट मत करो गाड़ी के एस्पेक्ट में लेके, बिकॉज ऑब्वियसली ड्राइविंग के लिए ऐसे कोई जेंडर मैटर नहीं करते, स्किल्स मैटर करती है। एंड अब तो काफी ज्यादा अपना चेंज भी हो गया माहौल, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। रियाना भी टर्की टूर मार के आई है, लेकिन टर्की के व्लॉग्स मेरे ख्याल से एक दो ही आए, ज्यादा नहीं आए, तीन व्लॉग आ गए हैं, ठीक है। तो वो व्लॉग्स भी तुम्हें देखने, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। एंड सबसे मेन देखो तुम लोगों को ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हर किसी को दिखाओ कि देखो यार ऐसा कोई मतलब चैनल भी आ गया यूट्यूब में जो लड़कियों के साथ भी ओनरशिप रिव्यू काफी अच्छे से मतलब एक तरीके से हम कर पा रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी, आपके लिए तो और ज्यादा बड़ी बात थी। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है ये। बिल्कुल, और वो मैं जानता हूँ बैकहेंड में कितनी कितनी बातें कितनी दिक्कतें हुई है रियानो को अपने एंड से, लेकिन अब देखो वीडियो तुम जितना शेयर करोगे जितना अच्छे कमेंट्स करोगे उतना रियानो को अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने सही वीडियो, ऐसा तुम समझ रहे हो ना, मतलब ह्यूमन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। नो नेगेटिव कमेंट्स, ओके ओके गाइस प्लीज, ठीक है, चलो पॉजिटिविटी फैलाओ। चलो एंड करते वीडियो को, मैं ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रियाना एक बार ऐसे करो, ऐसे बोलो साइनिंग आउट, साइनिंग आउट, साइनिंग आउट, ये मैं जबरदस्ती कराता हूँ।